24 वर्ष 2494 राउंड 12 सोमवार तारीख 5-8 वर्ष नदी ने पूज्य श्री गांधी स्वामी श्री समय शास्त्र कर्ता कर्मचारी गाथा हजार रूपये स्वर्णपुरी में आप समय शास्त्र संकोच नंबर 590 नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयरियान नमो लोये सौ जयानम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समय कर्ता कर्म अधिकार समय सार छोटे जाता कहते हैं कि धर्मी जीव धर्मी किसको कहते हैं जो कहीं कर्म के कारण से रागादि परिणाम हो और शरीर की दरिया इसका नजीक में हो ये क्षेत्र नजीक में ये दूर क्षेत्र में या मंदिर आदि हो तो उसकी दरिया को आत्मा करते नहीं इनको तो परद्रव की दरिया है और वो परद्रव की पर्याय में वो परद्रव ही अपनी वर्तमान अवस्था जो ध्रुव है ध्रुव का अर्थ उस समय की पर्याय में जो पर्याय होने वाली है उसको वही परमाणु पहुंच जाते हैं। समझ में आया कि मंदिर बनते हैं तो मंदिर की पर्याय उस समय होने वाला जो परमाणु की ध्रुव थी उसको परमाणु प्राप्त करते हैं। आया आत्मा उसको कर सकते नहीं अज्ञानी भी कर सकते नहीं ज्ञानी भी कर सकते नहीं पर फिर कितना अज्ञानी की उपस्थिति में वो होता है तो हम मानते हैं क्या राग का मेरा कार्य है तो उससे आ भी मेरा कार्य है मंदिर में बनाया पुस्तक में बनाया ऐसे अज्ञानी राग का विकल्प का करता होता है उसकी खबर नहीं कि मैं विकल्प रहित हूँ मेरी चीजें ज्ञानानंद सहजानंद शुद्ध स्वरूप है वो तरफ का लक्षण है ध्येय ने ध्यान उसका नहीं अज्ञानी को वो कारण और राग का कर्ता नाम वो मेरा कार्य है ऐसा मानते हैं और उस समय में जो बाह्य कार्य होता है तो मैं निमित्त हूँ तो निमित्त से तो हुआ है ना उसमें ऐसे अज्ञानी मानते हैं। समझ में आया ज्ञानी धर्मी नहीं दृष्टिया लोगो क्रमबद्ध में बहुत विरोध करे थे बहुत विरोध करे भगवान शुरू करे अजय जैन शासन तुम्हारे बहुत विरोध कदाड्री हो आवा सेवा बदा तमने न क्या दे जाओ आईना मान मारो ने भगवान शू करे भाई कम का अर्थ में क्या है जो समय जो पर्याय यहाँ कहते हैं ना कि राग की पर्याय भी जम जो समय त्याँ होने वाली है होती है और देह की पर्याय में जो समय होने वाली ध्रुव या प्राट की ना प्राप्य बस वो पर उसकी दृष्टि कहाँ है उसकी दृष्टि पर्याय पर की मैं किया ऐसे नहीं और राग किया ऐसे भी नहीं राग का मैं जानने वाला स्वर के लक्षण जानने वाला हूँ तो ज्ञानी की दृष्टि ज्ञाय के ऊपर है समझ में आया न्याय वो ही कहते हैं यहाँ धर्मी की दृष्टि वो मानते हैं बराबर
वो तो आगल लेगा सचो तेरे में जब वो राग आया तो वो राग संबंधी ज्ञानी उस समय में अपना प्राप्य है। जैसा वो राग आया वो भी उस समय का प्राप्य है तो विनय है। तो ज्ञानी को वही समय वही राग का ज्ञान होना प्रार्थना ध्रुव था। समझ में आया? पर उसकी दृष्टि कहाँ है? धर्मी की दृष्टि तो मैं ज्ञायक हूँ, चिदानंद सुदृव हूँ, वो मेरा स्व है न उसका मैं स्वामी हूँ। मेरा चैतन्य ध्रुव स्व है, मेरा शुद्ध गुण स्व है, और मैं जानने वाले की पर्याय श्रद्धा ज्ञान शांति मेरी जो पर्याय है वो मेरा स्व है, मेरे में है कि मैं हूँ उसका स्वामी है। धर्म की रीत बापू भगवान बहुत दुर्लभ है, अने एना फल पण ऐसा है। अनंत काल में अपनी चीज की संभाल किया नहीं, लक्ष्य लिया नहीं, ग्यारह पढ़ डाला, नौ को जाना है पढ़ डाला, पर उसका चीज का मर्म क्या है? अरे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ऊपर अंतर दृष्टि के बिना उसकी क्रिया सब राग आदि पुण्यादि हो संसार खाते परिभ्रमण खाते है। चाहे तो स्वर्ग मिलो तो ही पर संसार है, नरक मिलो तो ही संसार है। वो यहाँ कहते हैं भाई भगवान आत्मा अपना चैतन्य शुद्ध स्वरूप का जहाँ राग से पुण से निमित से भिन्न पड़के पर से भिन्न पड़के अपना पड़खे अपना समित में गए तो राग आदि कर्म आदि का उदय और दूर हो गया। समझ में आया? उसका नाम भेद ज्ञान है न उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन। तो धर्मी यहाँ आया, देखो पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, जो वही जानता हुआ भी उसका ध्रुव है, ध्रुव का नाम प्राप्त है, वो सत्यो तिरम आएगा। गिने गिना एक संबंध है, वो गिने गिना एक संबंध बना है, उसने लिया है संभाव। जैसा वो शरीर की पर्याय ने राग की पर्याय उस समय का प्राप्त नाम ध्रुव है, उसे वही का ज्ञान अपने में होना अपने संबंध में वही पर्याय का वो भी क्या प्राप्त नाम ध्रुव है। वो राग के कारण ने संयोग के कारण नहीं, समझ गए? बहुत जरूर तुम मालूम कर समझना पड़ेगा, बस बात ही है बात ही। अरे भाई आ संसार दावा न हो गयो छे, समझ में आया? चारे को क्लेश क्लेश क्लेश, धर्म ने नामे क्लेश। अरे क्या सुनते हैं, उसमें से निकलना अपूर्व पुरुषार्थ है। वो कई बात है न वचन से कोई वचन वस्तु नहीं आ जाती है, समझ में आया? तो कहते हैं कि जब भेद ज्ञान हुआ तब तो उसको जो उस प्रकार का व्यवहार वो भूमिका प्रमाण में आता है, और वो समय में शरीर आदि की क्रिया जो होती है उसको जानता हुआ भी धर्मी जानते हैं। एक शब्द में बहुत मरम पर आए सारा। ओहो आचार्य हो, ये जंगल में रहकर वनवास में पड़े वनशास्त्र बनाया। ओ भगवान तू तो चैतन्य मूर्ति है न प्रभु, तेरा में तो ज्ञान में आनंद पूर्ण भरा है ने, तो जेमा से जो आया भरया वो निकले, उसमें क्या राग ने पुण्य विकल्प भरया है उसमें? है तुम तो भगवान ज्ञान आनंद
शांति आदि से परिपूर्ण भरा यह आत्मा है। ये आत्मा की जहाँ अंतर अनुभव में ज्ञान में स्वीकार हुआ और राग से भिन्न पड़ गया तो कहते हैं कि राग आदि शून्यादि दयादान आदि व्रत आदि का विकल्प को धर्मी अपने में रहकर उसको व्यवहार से जानता हुआ भी उसमें ऐसा लेना। ज्ञानी पुद्गल परिणाम को राग आदि दयादान आदि व्रत भक्ति आदि पूजा आदि का भाव ये सब पुद्गल परिणाम है, भगवान आत्मा का झरना वो नहीं है। आत्मा में है नहीं कि जरे ने पर्ण में, समझ में आया श्रीलाल जी? अरे बात आखिरी बात है, आलो को तो पंच महावर परिणाम हमारा धर्म है, हमारा चारित्र है। भगवान ये बहुत बड़ी भूल है भाई, वो तो विकल्प का उत्थान है, वृत्ति का उत्थान है। चैतन्य बिंब ज्ञान सरोवर आखा बिंब पड़ा है, फिर बिंब ज्ञायक स्वरूप उसमें विकल्प की वृत्ति शुभ की उठती है, तो उत्थान है। ये आत्मा का स्वभाव समझ में आया? वो विकल्प का ज्ञानी सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला उसकी भूमिका के योग पूजा भक्ति का विकल्प उठते हैं। पंचम वाला का उसकी भूमिका ये उपबार व्रत का भी वृत्ति जाता पूजा मंग आदि का भाव उठते हैं। छठे वाले को इच्छा भी मुनगुण आदि का विकल्प होता है ना, संयोग में नग्न पर आदि दिखा है, इसको जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि अपने में अपने लक्ष्य से अपना लक्ष्य को जानते और उसको भी जानता हुआ भी ऐसे कह दिया, यहाँ व्यवहार से जानता हुआ ऐसे है। जैसे मिट्टी जानता हुआ भी जानता होने पर भी जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर घड़ा की पर्याय में स्वयं मिट्टी अंदर पसरती है, विस्तरती है, विस्तार करती है, माटी विस्तार होकर गटर होती है, कुम्हार का विस्तार होकर गटर होती है, ऐसा नहीं कुम्हार का द्रव्य स्वतंत्र है, ना आत्मा द्रव्य भी स्वतंत्र है, गड़ा का होना भी स्वतंत्र। जब पृथक दिखते हैं ना, कुम्हार हो तो घड़ा होता है भैया, बताइए समझी क्या? पृथक दिखते हैं भैया, अब पृथक दिखते हैं, कुम्हार न हो तो घड़ा नहीं होता भाई। ये मिट्टी है वही अपना पर्याय को प्रणमति घट रूपे होती है, कोई एम का है ऐसा प्रश्न उठा है उसने करता है। हाँ ना ना कुछ क्या क्या कहते हैं क्या किया? जहर खाते तो दे छूटते, ऐसा ही नहीं है, दे की पर्याय छूटने की हो तो छूटती है, जहर से नहीं। अरे एक तो कहा था ना मैं, एक एक रोगी था, दम का रोगी तो गरीब मानस था, बहुत दम चढ़ते थे ऐसे, तो बार बार मफत लेने को दवा डॉक्टर पास जाते थे, दवा देते थे। एक फिर आया डॉक्टर तो ऐसा कंटाला आया, क्या बारम्बार आते या गरीब मानस, मैं पैसा तो देते नहीं कुछ नहीं, तो एक बार थोड़ा जहर दे दिया और जहर दिया ने गरीब गई आया, थोड़ी ऐसी भुंजा गई, थोड़ी आया देखिए यहां से निकल गई, सारा रोग था वो छूट गया। और 8 दिन पीछे डॉक्टर पास गए, डॉक्टर दवा बहुत आखिरी दिया हो पर रोग मिट गया मेरा। भैया मैं तो जहर दिया था, तेरी साता होने की चीज हो, मैं तो जहर दिया रहे हैं, थोड़ी बार तो मेरे दुख हुआ था, पीछे एकदम उल्ट होकर सारा नव्य कप अपने शिकार थी सब छुट गई और मैं तो निरोग हो गया। नो जहर से भी उसकी पर्याय जब न होने वाली हो तो जहर क्या करे? वही कहते हैं
शरीर की पर्याय में जो पर्याय छूटने का ध्रुव पर्याय है उसको शरीर प्राप्त करता है। उस समय में यहाँ से व्यय होकर उत्पाद दूसरा होना है, कोई पर्याय उसके होने वाली है उसको परमाणु प्राप्त करता है, कर्म से नहीं आयु से नहीं। समझ में आया? प्राप्त विकार निवृत्त का सिद्धांत और चर्चा ऐसी हुई है कि जो निमित्त से कुछ न हो तो विचिक्षण कुमार को क्यों बुलाते हैं? धनानंद जी, चतुर कुमार को क्यों बुलाते हैं? जो कृष्ण घड़ा में जो घड़ा होता है ना, दिवाली में नहीं होता, दिवाली होता क्या कहते हैं अपने घड़ा गरबा बने और रंगीत बनावे ऐसा ऐसा पुतलियां और घड़ा ऊपर पुतली बनावे लाल रंग बनावे बनाते हैं ना। जो कुंभार से निमित्त से कुछ न होता तो ऐसे कारीगर कलाबाज को क्यों बुलाते हो तुम? प्रश्न ऐसा हुआ है, भगवान कलाबाज की पर्याय को ध्रुवपना प्राप्त उसका परमाणु आत्मा ही किया है, अने घड़ा की पर्याय ध्रुव जो समय में जो उत्पन्न होने वाली है उसको परमाणु ही प्राप्त किया है। कारीगर की कला क्या प्राप्त होती है? तिनकार में होता है। अरे वाह भाई, और क्या सुधी कहे कि तुम्हें होशियार डॉक्टर पास क्यों जाते हैं लोग? एक अंग्या डॉक्टर होशियार डॉक्टर पास क्यों जाते हैं वो दवा लेने को? कहीं उसका डॉक्टर की विचिक्षणता उस दवा में कोई निमित्त विशेष पड़ते है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की सूक्ष्म विचिक्षणता उस समय के ज्ञान गुण की व्यक्त पर्याय जो होने वाली है वो ध्रुव नाम प्राप्त है। वो डॉक्टर अपनी पर्याय को प्राप्त करता है। क्या इंजेक्शन की पर्याय को प्राप्त करते हैं? क्या इंजेक्शन उपाय सकते हैं डॉक्टर? दूसरा जात का इंजेक्शन है। ऐसा प्रश्न हुआ वो अन्य की चर्चा में, खाने की चर्चा हुई ना, ग्रंथ है ना, दो पहला भाग दूसरा भाग देखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि कारीगर को क्यों बुलाते हैं? समझ में आया? ऐसे सोनी होशियार कारीगर बहुत होशियार हो उसके पास क्यों जाते हैं? हजाम पर ऐसा बराबर हो ऐसा ऐसा बर्फूल जैसा हो तो उसके पास नहीं जाते हैं? समझे? वो पाडा तो नहीं, पर वो पाडा तो करते हैं ना, नहीं ऐसा लोई काटे रूई ऐसी पास नहीं जाते। कारीगर होशियार हो नहीं तो लोई काटे चामड़ी में, लोई समझते रुधिर, तो ऐसे क्यों जाते हैं? भैया भगवान को शांति से सुन तो सही प्रभु, एक एक परमाणु उस समय की पर्याय जो प्राप्त है उसको परमाणु प्राप्त करते प्रभु, तेरे नहीं खबर था। अरे अनादि काल से परतंत्र की दृष्टि बनाकर दुखी हुआ है, समझ में आया? ये दुखी पीड़ा भगवान जाने उसने विधि है, ये त्रियंत में, ये मनुष्य में, वो नारकी में, देह में अंगारा है कसाई के अग्नि का, और इंद्राणियों ने वैभव देखकर जो कसाई होता है उसको कसाई शुभ हो क्या शुभ हो, अंगारा है अग्नि है भट्टी है। अपना ज्ञानानंद स्वरूप शांत ने अविकारी उसका जिसको भान हुआ कहते हैं उस समय का विकार व्यवहार है उसको जानता हुआ भी मिटी जैन स्वयं गड़ा में अंतर व्यापक होकर देखो आदि मजंत में ये घड़ा की आदि मजने अंत में माटी है, घड़ा की आदि में कुंभार है, शुरुआत में जरी भी ऐसा हथला बिल्कुल नहीं। घड़ा में आकार हुआ हो तो कुंभार के कारण से हुआ, पर्याय पलटे हो तो दूसरी बात है, पर घड़ा में आकार हुआ ये आकार की पर्याय में तो नि कुंभार का निमित्त से हुआ कि नहीं? आकार वो व्यंजन पर्याय है, उसकी व्यंजन पर्याय भी परम व्यंजन समझे आकृति की पर्याय है,
उसकी उपमाने प्रार्थना उस समय में प्राप्त होने वाली थी, ऊपर मन प्राप्त करते हैं। उन बात से तो कुछ हुआ नहीं। कुंभार ने ऐसे नहीं बेहतर उनकी कुंभार वाला नाव दाखलो मर प्रेम तुमने कह दाखलो आकरो तुम्हारे क्या दाखला बैसे नहीं समझे। इस गांव में गए थे ने उमरा पास बड़ोदे बड़ोदे यहाँ गए थे तो भिक्षा में टिके तो रोटी ऐसी आई रोटी ऐसा खूणा ऐसा खूणा ऐसा सर की गोल नहीं क्योंकि वो स्त्री आदि बना जो विशिक्षण बना तो रोटी में बना लेकर लेकर और पक्का करते है कि नहीं क्या कहते हैं चेंगे लू वो पीछे वो ऐसे करते हैं ना चावड़ी में तवा में ऐसे करते तो रोटी है वो गोड़ना इतना कुट कर लेते हैं उसमें बीच में थोड़ा लोट नाचते हैं पहला बीच कोरा तो उसे ऐसे बना हुए तो जब रोटी पकती है तो उसे ऐसा करे फूल जाए फूल जाए तो हम हमारे ही ऐसी रोटी आई तो चलो कोई वांडा नहीं बने लगे बैठ के वांडा समझते हैं इसलिए घरे नहीं हो ऐसा रोटी ऐसी हम एक बजे आम खूणो निकले आम खूणो निकल रोटी पाकी एक खूणा ऐसा निकला हम लोग सरखा गोल चक्कर होना चाहिए ऐसा हुआ नहीं जो जो कारीगर के फेर में फेर पड़ा नहीं उसमें सरकस है भते तो नहीं तुम्हारे बना खाए वो छठी साल में है छठी साल में उमरा वाला सोचे ना नुकर शेख में बड़ो क्या मैं आई हूँ लगती स्त्री नहीं लगती नहीं स्त्री तो सारी बनावे सारी बनावे ना ओई परमाणु की ओ खंड की ओई समय ऐसी आकृति की पर्याय ध्रुव परे होने वाली थी उसका वो आटा का परमाणु प्राप्त करके प्राप्त कर वेलन 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 से बनी नहीं तवा से बनी नहीं अग्नि से बनी नहीं अने विचिक्षण बाय बराबर गोल चक्र ऐसी बनावे उससे बनी नहीं। अनंत पदार्थ को कहना अनंत की पर्याय को ऊपर से कहना अनंत पदार्थ को मानते ही नहीं समझ में आया। अनंत पदार्थ कहना अनंत पदार्थ की एक पर्याय को दूसरा पदार्थ करे तो अनंत अनंत पड़े रखते ही नहीं वो समझ में आया अनंत रहता नहीं क्यों एक दूसरा दूसरा कर दे तो अनंत रहते नहीं। जितनी संख्या भगवान के उन ज्ञान में लिखी है अनंत परमाणु की अनंत आत्मा इतना अपने संख्या रहते हैं कोई की पर्याय कोई से हो तो आनंद रहते नहीं तो उसका ज्ञान झूठा पड़ जाता है। उसकी पर्याय उससे हुई है तो न मानकर हमारे से हुई है तो ज्ञान झूठा पड़ के मिथ्या का सेवन होता। कहते हैं आदि मज अंत में व्याप्त होकर माटी ही घड़ा की पर्याय में आज में मध्य में अंत में दो चरण एक ही शब्द है एक समय का वो आज मध्य में अंत घड़े को ग्रहण करती है अपराध्य प्राप्त समझे वो घड़े की अवस्था वो समय होने वाली थी प्राप्य उसको माटी ग्रहण करती है माटी ग्रहण करती है माटी प्राप्त को पहुंचती है ग्रहण करती में प्राप्त शब्द आया समझ में आया। घड़े के रूप में परिणमित होती है वो पहले रूप था समझे क्यों कह पिंडा पिंड का रूप हो बदल कर घड़ा के पर्याय परिणमन हुआ वो माटी परिणमन किया उसका नाम विकार है समझ में आया। पर्याय तो वही नहीं वो पर्याय को प्राप्त कहा निश्चय वो ध्रुवपन है वो उपेक्षा है वो पर्याय को विकार नाम बदल होकर हुई तो उसके वही पर्याय को विकार कहा। तो घड़ा घड़े के रूप में प्रणमित होती है माटी घड़ा के रूप में प्रणमित होती है कुंभार के दूसरा आत्मा रूप में प्रणमित होती नहीं और घड़े के रूप में उत्पन्न निवृत्ति त्रीजा शब्द वो माटी घड़ा के रूप में उपजती है निवृत्ति है उत्पाद
वो विकार और उत्पाद और ध्रुव, ध्रुव शब्द वो त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं, वही समय का अंश वही समय में नीचे था, वो एक समय का था, वही समय का वही स्वत यही है था। ये द्रव गुण के आश्रय बिना ऐसी बात है भैया गरीब, नहीं तो माटी कहते हैं, पर माटी का द्रव ने माटी के गुण के बिना, माटी का द्रव ने गुण के बिना वही पर्याय प्राप्त स्वयं वही समय में वही होने वाली थी, उसका नाम प्राप्त है। समझ में आया? ग्रह के रूप में देखो पैसा दो में रूप में लिया है, ग्रह को ग्रहण करती है माटी मिट्टी, स्वयं घरे में अंतर घरे के रूप में प्रण, घरे के रूप में परिणमित होती। देखो ऐसा आकार ने रंग आदि की पर्याय में माटी परिणमन करती है, तुम्हारे कुछ किया नहीं। से भौतिका सुनाया है कुंदा सा कहते हैं मृत घड़ा कुंभार से होता है ऐसा हम नहीं दिखते, माटी से घड़ा हुआ ऐसा दिखते हैं हमको, कुंभार से हुआ ऐसा हमको तो नहीं दिखते। समझ में आया? तेरी दृष्टि विपरीत और तेरे देखे तो तेरी दृष्टि में भूल है। समझ में आया? हाँ, एक ही माटी का दृष्टांत दिया है, सारा जगत का पदार्थ जब जब जो द्रव की जहां पर्याय समय उत्पन्न होने वाली है ओ उसका प्राप्त अनंत द्रव का है। समझ में आया? चाहे तो आत्मा हो परमाणु हो धर्माशी धर्माशी आकाश काल हो खंड हो एक परमाणु हो, पर जे समय जो द्रव की जो अवस्था निश्चित है ध्रुव है प्राप्त है वो प्राप्ति है, उसको द्रव प्राप्त करते हैं सकने में। अरे बात समझ में आया? दुनिया से तो भाई विपरीत मार्ग दिखते हैं भाई, तुम तो ज्ञान है ने तो कहते हैं कि ऐसो जानता हुआ भी उसको ग्रहण करती माटी। समझ में आया? उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी दृष्टांत दे बाह्य स्थित भाषा देखो क्या कहते हैं, ये दया दान व्रत भक्ति का परिणाम ज्ञानी की पर्याय से बाह्य स्थित है। अनुसन जी है देखो एक शब्द पर आए, भगवान आत्मा विनायक चैतन्य स्वरूप शुद्ध चैतन्य पदार्थ आनंदनी मूर्ति ऐसा अंतर में राग से संयोग से भिन्न पड़ के भगवान आत्मा का बोध हुआ और उसका अस्तित्व का स्वीकार खंड दर्शन में हुआ तो कहते हैं ज्ञानी उसकी पर्याय नाम अवस्था उसे बाह्य स्थित, वो विकल्प जो दयादान व्रत भक्ति पूजा का व्यवहार कहने में आता है वो ज्ञानी की पर्याय से बाह्य स्थित है। ओहो भैया देखो है अपूर्व बात है भगवान है तो दिगंबर संतो ही तो संत सद की जब सद के ढंडेरा पिटा है ऐसी बात। समझ में आया? कहते हैं वो सच्ची ऐसा है ये कोई बनाया नहीं है, है ऐसा कहा भगवान तेरी पर्याय में तुम तो भगवान आत्मा हो ने, अने आत्मा की पर्याय तो शुद्ध पर्याय वो आत्मा की कहने में आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो वितरागी पर्याय जो आत्मा के लक्ष्य से आश्रय से समीप से उत्पन्न हुई ये अपनी पर्याय, ये अपनी पर्याय से वो ही समय में एक समय की पर्याय में दो भाग पड़ गया। बात है ना, एक समय की चारित्री की पर्याय में दो भाग पड़ गया, जितनी अंदर निर्मल स्वभाव के आश्रय हुई वो अपनी पर्याय है, जितनी राग है वो अपनी पर्याय से राग का खंड हुआ विकल्प है
कोई पर्याय का अंश है वो बैठ देते है। जी जीवन जी कौन व्यवहार विक्रम जो दया दान व्रत निरीव गुरु शास्त्र की भक्ति का विकल्प। ये अपना चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है राग। तो कहते हैं कि विपरीत पर्याय है वो आत्मा की नहीं ये पुद्गल की। अने जी आत्मा ज्ञान मूर्ति चैतन्य है उसकी श्रद्धा ज्ञान ने स्थिरता किया ये अपनी पर्याय है। ये अपनी पर्याय का काल में पर्याय का क्षेत्र से वो राग आदि उत्पन्न हुआ वही काल में वही क्षेत्र में। क्षेत्र समझते है असंग प्रदेश भगवान आत्मा असंग प्रदेश का पुंज प्रभु अनंत गुण का पुंज प्रभु। तो कहते हैं तो वो क्षेत्र में अपनी शुद्धता के आश्रय जो निर्मल ज्ञान दर्शन शांति चारित्र आदि पर्याय हुई ये अपना क्षेत्र अपनी पर्याय अपना भाव अपना रूप वही क्षेत्र में और वही काल में पुण्य दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प है ये अपना क्षेत्र से बाह्य है। उसका क्षेत्र बाह्य है और उसका भाव बाह्य है काल एक छता उसका काल बाह्य है। जितन भाई इतरा का मार्ग तो देखो भाई भगवान आत्मा को भीतरा विज्ञान घन है समझ आया मंगलमय मंगल करना आता है कि नहीं भीतराग विज्ञान आता है कि नहीं वो गोल्डन मल जी में बह लिया है मंगलमय मंगल कर विकराग शिवमय शिव कारण मोक्ष स्वरूप है मोक्ष का कारण भी है अने उसका स्वरूप ही है। वस्तु भी वितराग विज्ञान कण है उसके आश्रय से जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो वितराग ज्ञान कण है और उसके पूर्ण प्रकट हुआ केवल ज्ञान वही वितराग विज्ञान कण है तीजो वितराग गण में आता है। कुछ नहीं प्रेमचंद भाई कहेंगे प्रेमचंद भाई आई पर तुम्हारे पर दुआ पर वृद्ध से प्रमोद बहु आवे आऊ स्वरूप है प्रेमचंद भाई भगवान हाँ तो तेज सारी बारोट आता है ना बारोट तो उसका कुटुंब की बात करे ना कि तेरी पेढ़ी में सातवें पेढ़ी में 5 लाख पाटन में नाखा था ऐसी वाई बनावी थी वो बार उठाता है ना क्या कहते तुम्हारे तो कुटुंब का होता है ना वंशावली लेकर आते हैं वंशावली लेकर आते हैं बता तेरी 5वीं पेढ़ी में पाटन में ऐसा 5 लाख खर्चा था एक ऐसी बनाई थी ऐसी बनाई हाँ खुशी थी। हाँ भगवान केवल ज्ञानी कहते हैं क्या मुझे बारो तेरा वंशावली के लिए करते है तेरी वंश की स्थिति निर्मल है समझ में आया भगवान आत्मा कहते हैं उस प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थिति की व्याख्या करती है बाहर रहने वाला भगवान आत्मा विनायक द्रव्य स्वरूप शुद्ध गुण स्वरूप उसकी शुद्ध परिणति रूप ऐसा ज्ञानी कोई समय के काल में जो एक समय की पर्याय में जितनी शुद्ध हुई है तो अपनी पर्याय और जितनी अशुद्ध रही परद्रव्य की पर्याय की पर्याय वो अपनी निर्मल पर्याय से बाह्य पर्याय अंतर को ये पर्याय को छूते नहीं। हाँ ये जैन दर्शन तो जो ऐसी बात कभी कहीं हो सकती एक समय की पर्याय में दो भाव तो एक पर्याय को आत्मा अनुभवते हैं दूसरी पर्याय को छूते नहीं। छूते ही नहीं
समझ में आया। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ऐसा स्वरूप आया प्रभु, तेरी प्रभुता तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि हो और निर्मल पर्याय प्रकट हो, उसमें तेरी प्रभुता है। वो आचार्य पण काम करी थे, ये निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मंत्र से उत्पन्न हुआ, ये अपनी पर्याय अपना रूप अपना स्वन अपना स्वामी बराबर, वो पर्याय में जरी अशुद्धता आई विकल्प से चारित्र गुण की विपरीत पर्याय समय में आया, और आनंद गुण की जो निर्मल पर्याय हुई, ये अपना रूप में अपना स्वरूप में अपना क्षेत्र में अपना भाव में, और वही आनंद में जितना दुख रूप विकल्प रहा, कहते हैं कि आनंद की पर्याय के काल में उत्पन्न हुआ दुख वो आनंद की पर्याय से बिन दे गया। शुक्रसव जी पहला कहा था दो दिन पहले, भारे फिर बहुत भागशाली आ गए यहाँ, बहुत मैं खुश होता है, अरे जिंदगी गई आज वस्तु है दूसरी क्या है, हमने लायक आप पहले ख्याल में वो बात लेने से उसकी दृष्टि सुधर जाती है। समझ में आया, रुचि अनुयाय वीर्य, जहाँ रुचि जमे क्या उसका वीर्य कार्य करे बिना रहे नहीं, वो समाधि सत्र में आते हैं, जहाँ तीन बोल लिया समाधि सत्र में आ, तो रुचि अनुयाय तो देवचंद जी का है, उसमें है समाधि, जहाँ अपना मन चौंट जाते हैं क्या उसकी रुचि होती है, क्या उसको स्थिरता हो जाती है, समाधि सत्र में से भाई बुद्धवा स्वामी से अपने कौशिक गाथा है, समझ में आया। अपना ज्ञान में जो बात जम जाती है उसकी उसको रुचि होती है, उसके में वो स्थिरता होती है, समझ में आया। कहते हैं शूपन कुंद कुंदाचार्य काम कर गजब काम, ये तो क्या ये साथ में एक समय में भगवान देखो देखो क्या कहते देखो वहां तो उनको बनाए कि नहीं, थोड़ा हिंदी तो बढ़ नहीं हो, प्रश्न तो होता है और स्पष्ट माके ज्ञानी स्वयं बायसित, इतना शब्द लो इतना शब्द लो बस, धर्मी अपना ज्ञान स्वरूप की पर्याय में ज्ञानी स्थित है, उस समय में जो राजादि दयादान व्रत भक्ति शुभादास विकल्प है, ये अपनी पर्याय में वही काल में बायसित है, वही समय में बायसित है, वो क्षेत्र में पर बायसित है, ये अपना क्षेत्र नहीं अपना काल नहीं अपनी पर्याय नहीं अपना भाव नहीं, जनरल जी है क्या कहते हैं आपको तो कह रहे वो मैं कहते लेते हैं मुझ पर परिणाम को हो परद्रव की पर्याय को हो पाठ में परद्रव पर्याय के लिए श्लोक है ना परद्रव पर्याय नहीं आए परिणाम भी नहीं पर्याय देखो आपको शांति से समझने की चीज है, सत्य की बात सत स्वरूप है, आप वाद विवाद से झगड़े से पार नहीं पड़े, बोला करो विवाद अरे भगवान वाद विवाद सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो धंधा, हमारा क्या वाद विवाद करे भगवान, आई तो कहते हैं एक शब्द कितना है देखो, धर्मी जी अपना द्रव्य अपना शुद्ध गुण में अपनी निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वो अपने में बस उससे बायसिक, वो राग आदि विकल्प अपनी पर्याय में स्थित नहीं, अपना काल में रहा नहीं, निर्मल पर्याय का काल स्व वर्तमान और मलिन पर्याय का काल दूसरा समय ऐसा नहीं, उसके दूसरा समय होगा कृष्ण के जन्म समझ में आया। पहला प्रश्न बहुत हुआ था पहले हम गए थे तेरह साल में क्या सुरेंद्र तीसरी पहले प्रश्न हुआ था एक प्रिया नब्बे बाद में कोई नाम आता सुरेंद्र नाम
सुरेंद्र है ना वो कुमार आओ उसके सर मैं अभी तो गए थे गत्सल में क्या किसी वो एक परिया का दो भाग की चर्चा हुई थी वो तुम एक परिया में दो भाग नहीं होता पहले इस चर्चा चली थी तीर की साल पहले एक परिया में दो भाग नहीं होता। अरे सुन तो सही प्रभु है तो एक समय का एक गुण की एक समय की एक पर्याय में दो भाग होता है एक भाग स्वतर्भ की निर्मलता एक भाग निमित्त का लक्ष्य उत्पन्न हुई विकार एक ही समय एक ही क्षेत्र पर बाधित है। ये चल भाई बात ऐसी है जैन दर्शन में जन्मे जैन दर्शन की खबर नहीं। जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग केवल ज्ञानी इंद्रोनी समक्षमा समोसरण में ऐसे फरमाते थे अर्धलोकना स्वामी सक्रेन्द्र ने ईशानेन्द्र दक्षिणना इंद्र स्वामी दक्षिण लोकना सक्रेन्द्र उत्तर लोकना अर्धलोकना स्वामी ईशानेन्द्र समोसरण में विराजते थे भगवान की वाणी में वो निकला है ऐसी बात ओ कुनकुंदा चाचा से आकर आसन बनाया है समझ में आया। चक्रवर्ती भी त्या थे कुनकुंदाचार गए तो त्या का चक्रवर्ती कुनकुंदाचार थे त्या गए बैठे चक्रवर्ती प्रश्न किया तो महाराजा कौन है कितना छोटा पांच से धनुष 2000 हाथ ऊंचा आचार हाथ पतंग जैसा लगे महाराजा कौन है। भगवान की वाणी में आया वो भरत क्षेत्र के धर्म धुरंधर आचार्य है आया इच्छा बिना देव धनी चक्रवर्ती का प्रश्न था ना तो पुण्य इतना पुण्य बनता है कि उसके मेहरबानी निकले बिना रहे नहीं निमित्त के काम से नहीं वही पर्याय उससे वो होने वाली है वही तो मुख्य प्रश्न है। समझ में आया है ऐसी बात है भगवान कहते हैं अरे एक आनंद गुण है आत्मा का तो अपना स्वरूप की दृष्टि करके जो आनंद की दशा प्रकट हुई ये आनंद की दशा अपना स्वस्वरूप और उसमें वो अपना क्षेत्र और अपना काल और अपना भाव और वो इस समय में जरी दुख का वेदन आया तो कहते हैं कि दुख का क्षेत्र भिन्न काल एक समय हुआ तथा उसका काल आकाश का भिन्न एक समय में भिन्न दूसरा काल ऐसे नहीं ये परकाल है या स्वकाल है पद्र या पद्र की पर्याय है पद्र की पर्याय क्या है पद्र की पर्याय का स्वकाल उसका है निदान भाव लागे का आप क्या कहते हैं वस्तु का स्वरूप ऐसा है भगवान ने देखा है तो कहीं नवीन नहीं देखा ऐसा है सब देखा केवल ज्ञान में जल और ज्योति त्रिलोकनाथ परमात्मा पूर्ण जाना ऐसी इंद्रोनी समक्षमा सभा बाहर सभा में ऐसी वाणी इच्छा भी निकल गई वाणी की पर्याय का भी करता भगवान नहीं वाणी स्वतः प्रमाण है वो भी चर्चा पहुंचा दी है ये चलिए अरे भगवान वाणी पर से प्रमाण है के स्वतः प्रमाण है अरे पर थी प्रमाण से कोई चीज होती है वाणी में स्वपर वार्ता कहने की ताकत है अपनी पर्याय में प्रणमन होकर परमाणु उसमें स्वपर वार्ता कहने की ताकत है। आत्मा का केवल ज्ञान है जोगिनी अपेक्षा बिना समझ आया तो केवल ज्ञानी को ऐसी दिवधनी निकली तो उसमें कुछ तो ज्ञान की प्रधानता की कुछ निमित्त की असर है कि नहीं कैसे दिवधनी ऐसे न निकले नजीक सदमस्तव श्रीराम जी तो सही उस समय में वही परमाणु का जो खंड रूपे पर्याय धनी रूपे प्रणमने वाला है वो प्राप्त है उस समय में अवस्था उसको खंड प्राप्त करते हैं भगवान से वाणी निकली नहीं है नतीजे क्या करेगी
कितना पिछड़ा का पति सही उसका है नहीं, उस काम क्या करे। समझ में आया? कहते हैं ओहो धर्मी जीव अपने से व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प शुभ जोग का विकल्प उसको बाहस्थित समझते हैं, अपनी पवित्र भगवान आत्मा की दिशा में वो है नहीं। आई तो जी व्यवहार पहले नीचे पीछे है, क्या आया उसमें? काम तो साथ में दो आया, साथ में है क्या पीछे है? एक समय में दूसरा सूते नहीं, ऐसा नीचे ना व्यवहार को एक नहीं उसमें है कुछ नहीं। हाँ कहते हैं जो कितनी रचना भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य भगवान उसको राग से भिन्न पार करके भान हुआ तो कहते हैं कि अपने में जो निश्चय स्वाश्रय जो पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान शांति आदि आनंद की हुई वो तो अपनी पर्याय है। वही काल में जब आनंद में से थोड़ा दुख, वितरागी पर्याय में से थोड़ा राग, समझ में आया? और संकेत मोहनी का जरी अंदर दोष दर्शन में शुद्ध संकेत की पर्याय अपनी उसका जो दोष है उपद्रव की पर्याय ये बाह्य स्थित है। समझ में आया? संकेत मोह की झलक जो अपनी पर्याय में थोड़ी होती है ये उपद्रव की पर्याय अपनी। अरे उसे अत्यंत भाव है, विकार और स्वभाव के बीच में अत्यंत भाव है। अब एक समय की पर्याय हो बराबर, एक समय की पर्याय वही काल होने पर भी विकल्प का और निर्मल पर्याय बीच में अत्यंत भाव। हाँ 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 जी अत्यंत भाव ऐसी ज्ञानी का गम्मा है। उसमें वो भी आई बात कि जब निर्मल पर्याय है वही समय जब विकल्प उठा है वो व्यवहार है, वही समय व्यवहार वो आई निश्चय निर्मल व्यवहार वही समय दो सत्य व्यवहार बाह्य स्थित है नीचे अंतर स्थित है। पंडित जी दूसरी बात वो तो बड़ी दूसरी ये ठीक है, वो तो दूसरी वो तो बंद की बात यहाँ है। आई तो अस्थि में ये अंश अपना नहीं ये बात सिद्ध होती है, नहीं सब हत्या तो अंश है वो बंद का कारण है अबंध का कारण ऐसा बताना है। आई तो कहते हैं कि बंद का विकल्प है अपनी पर्याय में है या नहीं, उसको बंद होता है या नहीं हम कहते हैं यहाँ तो विकल्प अपनी पर्याय में नहीं तो बड़ी बंद होता है कि बात प्रश्न है नहीं यहाँ ऐसी बात वो त्या दूसरी बात कहनी आई दूसरी बात है तो करता कर्म देना है। समझ में आया? यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अपने स्वभाव से यहाँ से उत्पन्न हुआ वो अबंध कारण है और जितना राग है मन का कारण है, पर वो तो बंद का कारण मन का कारण क्या स्पष्टीकरण ज्ञान बताया। आई तो कहते हैं कि वो आई कर्ता कर्म में वो बंद की पर्याय जो विकल्प है अपना कार्य नहीं, अपने में है ही नहीं, नहीं अपना कार्य नहीं, अपने में है उसका कार्य अपना होता है जो बाहर से अपना कार्य है। समझ में आया निमजन भाई? ओ मार्ग चालू वो मार्ग वितरागन हो भाई छो श्री वितराग वो चर्चा ही आज कोई चर्चा क्या एवरी सदनस में विनय करे अपने आवेदन प्रार्थना जैन प्रकाश नहीं जैन प्रकाश एम के केवड़ी सदमस नो विनय करते हैं इस सिर से मिलान होता है ऐसा जैन प्रकाश नहीं मरेगा सितम्बर में तो कहते हैं ना केवड़ी ज्ञान होता है सदमस को वितराग गुरु सदमस रहते हैं और शिष्य को केवड़ी अनुप जाता है तो क्या आया है उसमें
कि केवल ज्ञानी सेवा करते गुरु की, और करते करते ऐसा ख्याल आ गया गुरु को, ख्याल ऐसे क्यों है, अकेले निर्मल क्या हुआ है, समझे? तो कहते हैं साहेब मेरे ज्ञान निर्मल हुआ है। क्या निर्मल हुआ है? केवल ज्ञान हुआ है। कहा अभी तो बात प्रकाश में आया था नाखो थान प्रश्न में आया प्रश्न क्या क्या है यार, चर्चा तो करो, चर्चा करो भगवान है उसमें क्या है, सास क्या सच्चा है उसमें से निकलेगा, समझे? आया केवल ज्ञानी सदमस्कार भी नहीं करे कैसे बने, क्या विकल्प है उसको, और वंदन योग विशेष है, मैं अल्प हूँ ऐसा है केवल में, वो तो छठा गुण स्थान तक वंदन है, वंदक भाव का भाव होता है, पीछे होता नहीं, तो आत्मसिद्धि में आया ना वो जरी बहुत चर्चा होती है ना, आत्मसिद्धि में आया है। जय गुरु सदगुरु उपदेश थी मानो केवल ज्ञान, गुरु रया सदमस्तपण विनय करे भगवान, की बात सच्ची नहीं, सच्ची नहीं, इसे तो मरम नहीं बात, तो उसमें वो आत्मसिद्धि में ऐसा आ गया है, बात ऐसी है नहीं, जो तो मरा ना दक्षिण राज में भाई पास हो नव माध्यम अनंत नानो भगो भी संतो, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ छता केवल ज्ञानी अपना गुरु का विनय छोड़ते नहीं, व्यवहार का प्रधान था धर्म उसका है कि आई तो कहते हैं कि केवल को तो पर का विनय है नहीं, पान मुनि सदमस्त केवलिया बिना ना चौथे पांचवें छठे केवली परमात्मा विराजते हैं, और विकल्प आया विनय का अपनी पर जैसे बाईस है या सुनते हैं, नीचे ही साथ में है व्यवहार साथ में एम के ना है, सिद्ध करते हैं नीचे ही पहले ने व्यवहार पीछे ऐसा होते ना, अथवा व्यवहार पहले ने नीचे पीछे है होता नहीं, समझते नहीं वो बात है, एक साथ देखो क्या क्या बाहिस्थित का अर्थ क्या, अंतर स्थित तो चैतन्य भगवान अपनी श्रद्धा ज्ञान में स्थिरता वो अपनी है, वो अपनी अपने में स्थित है, वो नीचे ही स्वाश्रय हुआ, पराश्रय जो विकल्प उठे हैं विनय आदि का ये बाहिस्थित है, अपनी निर्मल पर्याय से बाह्य क्षेत्र भी बाह्य, काल भी दूसरा, भाव का दूसरा, समझ में आया, ये परद्रव भी दूसरा, परद्रव पुद्गल उसकी ऊपर ही आए, परद्रव का वो काल है, परद्रव का वो भाव है, विनु हो गया कितनी बात करते हो, वाह बात ऐसी बात ऐसी खबर नहीं भाई, भगवान तेरी में क्या अपवित्रता पड़ी है कि तेरा काल में अपवित्रता तेरे हो, पवित्रता का सागर है भगवान, तुम तो नच्चे चैतन्य विनायक आनंद शुद्ध श्रद्धा वितरागता ऐसे भाव से भरा है, तो ऐसी दृष्टि और उसका ज्ञान राग से भिन्न होकर हुआ, तो ज्ञानी की पर्याय से राग का और दुख का अस्थिरता का अनंत गुण में जितने विकृत पर्याय है तो यह इसकी विकृत पर्याय अपनी पर्याय से बाधित है, बाह्यस्थित को कारण कहना ना अंतर्स्थित को कार्य कहना ऐसे बने, वो तो पहचान कराते हैं कि ऐसा विकल्प की मर्यादा वो भूमिका में है, वो कारण उसको व्यवहार को कारण कहा, नीचे व्यवहार को कारण व्यवहार नहीं से कहा, और भूतार्थ नहीं से कहा, समझ में आया, आगे में तो आके भाई परम आज्ञा मैंने आज्ञा मैसे नाम
जिसने कोई एक कण पर फिर वितरागी खाता आया। हाँ अमृतचंद्र आजाद कुंकुंद आजाद जैना मुख में परम आगम चढ़ते हैं। हाँ कहते हैं ओ हो एक शब्द में तो कितना निकाल कर दिया। ज्ञानी धर्मी सम्यक दृष्टि चौथा वाला हो पांचवा वाला हो कि छठा वाला हो उसकी पर्याय में जितनी स्वद्रव के आश्रय से निर्मलता हुई ये अपनी पर्याय अपना द्रव की पर्याय। वही समय में जरी विकल्प व्यवहार रत्न त्रय आदि उठा है देवगुरु शास्त्र का विनय का विकल्प देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प पंच महावृत का विकल्प और शास्त्र पढ़ने का विकल्प है विकल्प है तो बात हाँ वो बात ये कहते हैं साहब ऐसा कहते हैं भगवान पर ते बात को सुनी नहीं प्रभु हमें क्या कहते हैं हम क्या मानते हैं हमारी पास क्या है तो तने खबर नहीं खबर बिना अनुमान से तो सब लगा दे सुने बिना ऐसे ही काम करना लेकिन न्याय का विषय है। आई तो अच्छा नवाब बता दे वही समय दो बात वही समय उसकी पर्याय में नहीं व्यवहार व्यवहार है परद्रव की पर्याय है समुद्र की पर्याय नहीं तो क्या परद्रव की पर्याय समुद्र की पर्याय का काय होता है परद्रव की पर्याय काय में समुद्र की पर्याय काय ऐसा होता है। 85 का इनक बहुत आया है अरे भगवान ये तो व्यवहार निमित्त कैसा है उसका ज्ञान कराया आया वाह आई एक किलो बड़ी भाई से मुंडो होते होली में आई गये राजमल जी आ तो तेरा भगवान तेरा घर की बात चलती है तेरा घर बार है तेरा नहीं व्यवहार तेरी चीज नहीं व्यवहार तेरा सो नहीं व्यवहार से उत्पन्न किया नहीं व्यवहार तेरा घर में है नहीं। समझ में आया तो ज्ञानी स्वयं वायसित बाहर रहने वाला परद्रव के परिणाम पाठ में परद्रव पर्याय लिया है पर विशेष स्पष्ट करने को आचार्य इसको पर्याय को परिणाम कहा भिन्न भिन्न शब्द वापर कर वो शब्द की स्पष्टीकरण करते हैं। समझ आया व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प स्वद्रव की पर्याय नहीं स्वद्रव तो नहीं स्वगुण तो नहीं स्वद्रव की पर्याय नहीं। इतना भेद ज्ञान मरसु कृष्ण जी कहते बड़ा भेद ज्ञान चलते हैं भगवान का घर की बात है कहते हैं वायसी परद्रव के परिणाम में राग आदि विकल्प आदि व्यवहार है वो परद्रव के पर्याय में अंतर्व्यापक होकर अरे जब उसका विस्तार है कैसा आएगा कल।